Good morning everyone. I am your science teacher Satyabhama from Happy Campus School. Friends, आज मैं आपसे बच्चों को लेसन 4 एंड 5 के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स रिकॉल करवाऊंगी. दैट मींस, वैसे तो देखिए बच्चों, आप सभी को मैंने जो भी आपका लेसन थे जो आपके यूनिट 2 में आ रहे हैं वो सभी मैं आपको वन बाय वन सेंड कर चुकी हूँ. आई होप कि अब आप सभी का काम कंप्लीट हो गया होगा. फिर भी मैं आपको रिकॉलिंग करवा रही हूँ, यानी कि ये रिवीजन वीडियो है, क्योंकि मैं अब आपका ट्यूसडे को टेस्ट होगा लेसन 4 एंड 5 के. ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस ओनली, रिमेंबर दैट. सिर्फ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का ही मैं टेस्ट लूँगी लेसन 4 एंड 5 का. तो देखिए क्लास, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नेम मेन बॉडी पार्ट्स ऑफ अ बर्ड. ठीक है, यानी कि आपको एक बर्ड के जो मेन बॉडी पार्ट्स हैं उनके बारे में बताना है आपको. तो वो क्या होते हैं? विंग्स, बीक, आई, टेल, लेग एक्सेट्रा. यानी कि एक पक्षी के पंख, चोंच, उसकी आँख, पूंछ और उसके पैर जो होते हैं उसके मेन बॉडी पार्ट्स होते हैं. चलिए, सेकंड है नेम डिफरेंट टाइप ऑफ फीट ऑफ बर्ड्स. यानी कि आपको पक्षियों के विभिन्न तरह के जो उनके पैर होते हैं उनके बारे में बताना है. तो एक होता है पर्चिंग, वेडिंग एंड क्लाइंबिंग. ये तीन तरह के आपको हमने पैर के नाम बताए. बर्ड्स के जो पैर होते हैं वो इस तरीके के होते हैं. राइट द टू टाइप्स ऑफ फीदर. अब आपको जो पंख होते हैं, फीदर्स होते हैं, उनके बारे में भी आपको बताना है कि कितने, मतलब उनके दो प्रकार बताने हैं. तो इसमें क्या आएगा, आप देखेंगे जो उनके फीदर्स होते हैं, एक होते हैं डाउन फीदर्स और एक होते हैं टेल फीदर्स. ठीक है, ये दो तरह के फीडर्स के बारे में हैं. नेक्स्ट है हाउ डज द सन बर्ड सक हनी. यानी कि जो सन बर्ड है वो कैसे हनी को सोखती है, उसे चूसती है. सक का मतलब सोखना या चूसने से होता है. तो आएगा द सन बर्ड हैज़ अ लॉन्ग, इनकी सन बर्ड के पास एक लंबी थिन यानी कि पतली एंड पॉइंटेड एक नुकीली क्या होती हैं, बीक होती हैं. विच हेल्प इट टू सक हनी, यानी कि यह शहद को सोखने में या उसे चूसने में मदद करती है. ठीक है बच्चों, तो फोर्थ लेसन के जो वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं वो क्या हैं? फर्स्ट का है विंग, बीक, आई, टेल, लेग एक्सेट्रा. सेकेंड में है पर्चिंग, वेडिंग एंड क्लाइंबिंग. थर्ड में है डाउन फीदर्स. नेक्स्ट है टेल फीदर्स. फोर्थ में है द सन बर्ड हैज़ अ लॉन्ग थिन एंड पॉइंटेड बीक विच हेल्प इट टू सक हनी. तो ये है हमारे लेसन 4 के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. ओके क्लास, अब हम बात करते हैं हमारे लेसन 5 के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की. तो ये है कि वेयर डू बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, यानी कि कहाँ पर जो पक्षी हैं वो अपना घोंसला बनाते हैं. तो इसका आंसर आएगा द बर्ड बिल्ड नेस्ट इन अ सेफ प्लेस. यानी कि जो पक्षी हैं वो अपना घोंसला एक सुरक्षित जगह पर बनाते हैं. वॉट हेल्प्स अ बर्ड टू फ्लाई, यानी कि एक पक्षी के उड़ने में क्या चीज़ है जो मदद करती हैं. तो आंसर इज द फीदर हेल्प अ बर्ड टू फ्लाई, यानी कि एक पक्षी के उड़ने में जो उसके पंख होते हैं वो मदद करते हैं. नेक्स्ट है नेम द मटेरियल यूज्ड बाय बर्ड्स टू बिल्ड देयर नेस्ट. यानी कि आपको उन सामानों के नाम बताने हैं जिनका इस्तेमाल जो पक्षी हैं वो अपना घोंसला बनाने में करते हैं. उसका आंसर होगा ग्रास, वूल, कॉटन, लीव्स एक्सेट्रा. यानी कि घास, जो ऊन के टुकड़े हैं या कॉटन है या पत्तियां, इनका इस्तेमाल करते हैं जो बर्ड से अपना घोंसला बनाने में. देन नेक्स्ट है हाउ डज अ टेलर बर्ड मेक इट्स नेस्ट, यानी कि जो टेलर बर्ड होती है वो कैसे अपना घोंसला बनाती है. तो कैसे बनाती है वो, इट स्टिच द लीव्स टुगेदर. यानी कि वह स्टिच करती है पत्तियों को एक साथ विद द हेल्प, यानी कि मदद ऑफ बीक, यानी कि अपनी चोंच की मदद से. बाय यूजिंग
बीट्स ऑफ स्ट्रॉ, यानी कि छोटे टुकड़े किन का इस्तेमाल करती हैं, कोई सूखा सूखी घास स्ट्रॉ जो होती है, थ्रेड यानी कोई धागा वूल एक्सेट्रा, इनका इस्तेमाल करके जो टेलर बर्ड होती हैं वो अपना घोंसला बनाती हैं। तो चलिए क्लास लेसन 5 के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दोबारा रिकॉल करते हैं। द बर्ड बिल्ड नेस्ट इन अ सेफ प्लेस। सेकंड है द फीदर हेल्प्स अ बर्ड टू फ्लाई। थर्ड है ग्रास वूल कोटा लीव एक्सेट्रा। फोर्थ है इट स्टिच द लीव्स टूगेदर विद द हेल्प ऑफ बीक बाई यूजिंग बीड्स ऑफ स्ट्रा थ्रेड वूल एक्सेट्रा। तो देखिए क्लास, ये हैं आपके लेसन 4 और 5 के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो अब ये आप बच्चों को लर्न करने हैं, ट्यूसडे को आप सभी का टेस्ट होगा। थैंक यू।